फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को बताएंगे किसी भी सीडी या डीवीडी का इमेज फाइल कैसे बनाते हैं। फ्रेंड्स, इमेज फाइल क्या होता है? फ्रेंड्स, इमेज फाइल के अगर आपने किसी सीडी या डीवीडी का इमेज फाइल बना करके रखा हुआ है और वो सीडी आपका फ्यूचर में डैमेज हो जाए या कहीं खो जाए, तो आप उस इमेज फाइल से सेम किसी ब्लैंक कैसेट में आप उस इमेज फाइल को राइट करके सेम उस ओरिजिनल कैसेट के जैसा एक कॉपी तैयार कर सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आपने किसी विंडोज के या फिर किसी बूटेबल सॉफ्टवेयर का इमेज फाइल बनाया है तो उस इमेज फाइल से आप पेंटर को बूटेबल भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, इसे इमेज फाइल को बनाने के लिए हमें चाहिए पावर आईसीओ एप्लीकेशन। इसे कैसे इमेज फाइल बनाया जाता है हम आपको सिस्टम में करके दिखाते हैं। फ्रेंड्स, किसी भी सीडी या डीवीडी का इमेज फाइल बनाने के लिए हमें पावर आईएसओ एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। हम पावर आईएसओ एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इसे रजिस्टर करना होगा तभी हम उसका इमेज फाइल बना सकते हैं। रजिस्टर करने के लिए हमें इसे इंटर रजिस्ट्रेशन कोड पर क्लिक करते हैं और इसका यूजर नेम एंड रजिस्ट्रेशन कोड डालना होगा। तो इसका यूजर नेम एंड रजिस्ट्रेशन कोड हमने रखा है यहाँ पे एक नोटपैड के फाइल में। इन दोनों में से किसी भी यूजर नेम एंड सीरियल की को कॉपी करके आप उसमें पेस्ट कर सकते हैं। दोनों वर्क करता है। कॉपी पेस्ट, ओके। फ्रेंड्स, देखा गया, थैंक यू फॉर योर रजिस्ट्रेशन। ये रजिस्टर हो गया, अब इसे क्लोज कर दीजिए। फ्रेंड्स, इसके बाद आपको जिस भी सीडी या डीवीडी का इमेज फाइल बनाना हो तो आप उसे पहले डीवीडी राइटर में इंसर्ट कर ले। फ्रेंड्स, माय कंप्यूटर को ओपन करते हैं। हमने सीडी को इंसर्ट कर लिया है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने जो सीडी डाला है वो विंडोज 7 का एक बूटेबल सीडी है। अब इसका इमेज फाइल बनाना है हमें, तो पावर आईएसओ एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। टूल्स मेनू में जाते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर मेक सीडी डीवीडी बीडी इमेज फाइल। अगर आपको किसी सीडी या डीवीडी का इमेज फाइल बनाना है तो इस ऑप्शन को क्लिक करें, एक विंडो खुलेगा। फ्रेंड्स, अगर हम किसी बूटेबल सॉफ्टवेयर का इमेज फाइल बनाते हैं तो उसे डॉट आईएसओ में रखें। चूंकि ये सीडी विंडोज 7 का है तो इसे डॉट आईएसओ में रखें। अगर आप किसी वीडियो या फिर ऑडियो का इमेज फाइल बनाना चाहते हैं तो डॉट डी ए वाले में रखें। और डॉट बिन एक रोम फाइल के लिए होते हैं जिसका यूज हम लोग नहीं करते हैं। फ्रेंड्स, यहां से जाकर इसका डेस्टिनेशन फोल्डर डिसाइड कर सकते हैं और इसका नेम भी दे सकते हैं। इसका नेम हम दे देते हैं विंडोज 7 बिन 7 इमेज और इसका लोकेशन दे देते हैं हम डेस्कटॉप स्क्रीन पे। सेव, ओके। फ्रेंड्स, जैसा कि देख रहे हैं आप, एक सीडी से फाइल कॉपी हो करके एक फोल्डर में जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं किस तरह इसका इमेज फाइल बन रहा है। देखिए, 1% हो चुका है। यहाँ रिमेनिंग टाइम 14 मिनट्स दिखा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये 100% तक हो इसका हम वेट करेंगे। फ्रेंड्स, 27% हो चुका है, 5 मिनट और बाकी है। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट, एलईडी टीवी, स्मार्ट टीवी की रिपेयरिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे यहाँ ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट ये कोर्स करने के लिए आते हैं। इसके अलावा जो हमारे पड़ोसी देश हैं, नेपाल, बांग्लादेश, इन देशों से भी हमारे यहाँ स्टूडेंट क्लास करने के लिए आते हैं। फ्रेंड्स, ये कोर्स करने के बाद जो भी स्टूडेंट ये कोर्स करके यहाँ से निकले हैं वो बेहतर से बेहतर कंपनी या फिर किसी सर्विस सेंटर में बेहतर सैलरी पे जॉब कर रहे हैं। कईयों ने तो अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर लिया है और मंथली का 10 से 20 हज़ार आराम से कमा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस कोर्स को करने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें और हमारे इंस्टीट्यूट पे विजिट करें, हमारा क्लासरूम देखें, हमारा लैब देखें, हमारे डेमो क्लासेस करें और आप सेटिस्फाइड होते हैं तब जाकर के हमारे यहाँ एडमिशन लें।
फ्रेंड्स, ये कोर्स करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, बस आपको पढ़ना लिखना चाहिए, क्योंकि ये एक स्किल कोर्स है, आपके हुनर के लिए है। आप इस कोर्स करके बेहतर से बेहतर बिजनेस कर सकते हैं, और मार्केट में इस कोर्स की बहुत ही डिमांड है। फ्रेंड्स, सिर्फ 45 सेकेंड्स बचे हैं, ये जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस इमेज फाइल को बनाने के बाद आप इस इमेज फाइल को किसी ब्लैंक कैसेट में बना सकते हैं। फ्रेंड्स, इमेज फाइल में कभी भी वायरस नहीं लगता है, जिससे आपका फाइल सेव रहेगा। आप इस इमेज फाइल के द्वारा, चूंकि यह विंडोज 7 का इमेज फाइल है, इस इमेज फाइल के द्वारा आप पेन ड्राइव को बूटेबल भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, बूटेबल बनाकर आप किसी सिस्टम में विंडोज इंस्टॉल भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये कंप्लीट हो गया। अब आप इस पावर आईसीओ को क्लोज कर दें। फ्रेंड्स, देख रहे हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पे विंडोज 7 इमेज फाइल के नाम से एक इमेज फाइल बनकर के आ गया है। आप इसी इमेज फाइल से किसी ब्लैंक कैसेट में राइट कर सकते हैं, और सेम वो विंडोज 7 का है, एक कैसेट बन जाएगा। और आप इस इमेज फाइल का बूटेबल पेन ड्राइव में भी यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हम दिखाते हैं इस इमेज फाइल को किसी ब्लैंक कैसेट पे राइट करके। इसके लिए हम ब्लैंक कैसेट इंसर्ट करें। फ्रेंड्स, इस इमेज फाइल को ब्लैंक कैसेट में राइट करने के लिए सबसे पहले हम ब्लैंक कैसेट को सीडी राइटर में इंसर्ट करते हैं। सीडी लोड हो रहा है, वेट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक ब्लैंक कैसेट है। देखिए, कुछ भी एकदम ब्लैंक है, और ये रीराइटेबल डिस्क है। फ्रेंड्स, इसके बाद आप इस विंडोज 7 के इमेज फाइल को डबल क्लिक करके ओपन कर ले। फ्रेंड्स, देख रहे हैं, आपके विंडोज 7 के बूटेबल फाइल इसमें है। अब इसे सीडी में राइट करने के लिए बर्न ऑप्शन पे क्लिक करें, एक विंडो खुलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बर्निंग ड्राइव, आपने जो सीडी ड्राइवर सिलेक्ट किया है वो सिलेक्टेड है। बर्निंग स्पीड है फ्रेंड्स, इसे आप 2.4x पे रख दें, मिनिमम पे रखना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि आप जब इसे मिनिमम स्पीड से राइट करते हैं, तो ये जो आपका बूटेबल सीडी राइट होता है, वो लॉन्ग टाइम तक आपका बेहतर काम करता है, जल्दी ये खराब नहीं होता है। इसके बाद आप इसे बर्न पे, अगर आप इसे वेरीफाई करना चाहते हैं, तो ये बर्न होने के बाद वेरीफाई होगा, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। फ्रेंड्स, अगर आपकी इच्छा हो तो आप इसे राइट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बर्न पे क्लिक करते हैं। फ्रेंड्स, ये सीडी फॉर्मेट हो रहा है। उसके बाद ये 0% है, ये परसेंटेज में आपका 1% से हो करके 100% तक कंप्लीट होगा, और कंप्लीट होने के बाद आपका सीडी ट्रे बाहर आ जाएगा, और डीवीडी आपकी जो है विंडोज 7 की बूटेबल बन जाएगी। आप इस सीडी से किसी भी सिस्टम में विंडोज इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आपने जाना कि किसी सीडी को आप कैसे इमेज फाइल बना सकते हैं, और उस इमेज फाइल को किसी ब्लैंक कैसेट में कैसे राइट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, 1% हो चुका है, आप वेट करेंगे, जल्दी ही ये 100% तक हो जाएगा, वेट करते हैं। फ्रेंड्स, ये 99% तक हो चुका है, जल्दी ये कंप्लीट हो जाएगा, देखते हैं।
फ्रेंड्स देख रहे हैं फाइनलाइजिंग मीडिया दिस में टेक सेवरल मिनट्स। फ्रेंड्स कुछ ही सेकंड में ये कंप्लीट हो जाएगा और आपका सीडी ट्रे बाहर आ जाएगा और आपका जो सीडी है वो बूटेबल बन जाएगा। बर्निंग सक्सेसफुल। फ्रेंड्स सीडी बाहर आ गया और आप इसे एग्जिट कर दे और इसको क्लोज कर दे। फ्रेंड्स आपका जो ये सीडी राइट हो गया ये भी एक सेम ओरिजिनल की तरह आपका एक बूटेबल कॉपी बन गया। तो फ्रेंड्स आपने आज इस वीडियो में देखा कि किसी सीडी या डीवीडी का इमेज फाइल कैसे बनाते हैं और अगर वो किसी बूटेबल विंडोज 7 या फिर किसी बूटेबल सॉफ्टवेयर का सीडी हो तो उसे किसी ब्लैंक कैसेट में कैसे राइट किया जाता है। अगर फ्रेंड्स आपका विंडोज 7 का ये इमेज फाइल है तो आप इसे पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और आप चाहते हैं हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए तो नीचे दिए गए नोटिफिकेशन रेड कलर के लाल घंटे को दबा दें, आपको सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। थैंक यू।